गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो चलो, आज का वीडियो है ना हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए है। मतलब एक दो को मैंने ये डिस्कस किया था तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब उन लोगों को भी अच्छा लगा, तो क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। सो इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है लाइफ में? मतलब हम लोग दिन भर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग लाइफ में होता है जिसके लिए हम लोग बहुत भागा दौड़ी करते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं उस एक चीज़ के लिए। गेस कीजिए। सही गेस किया, खाना। तीन टाइम हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो हेल्दी खाना हो या फिर नॉर्मल हो, जो भी हम लोग अच्छा खाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो खाना बहुत ही शांतिपूर्वक खाया जाए या फिर बनाया जाए। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेडीज हमेशा ये सोचते हैं कि आज क्या बनाए, बस सुबह उठने के बाद एक ये टेंशन होती है कि क्या बनाए, कुछ अच्छा दे, सबको अच्छा सर्व करे, अच्छा दे, खुद अच्छा खाए। दिन भर जो अच्छा खाना मिलने के बाद जो है ना टेंशन लाइफ भी बहुत रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्या होता है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग खाना बना के सबको सर्व करते हैं, घर में सबको देते हैं, सर्व करते हैं। सुबह बोलिए, दोपहर बोलिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, मतलब जो भी है हम लोग को देना पड़ता है। तो मेरे आज का जो मैं जिस चीज़ के लिए बात करना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अगर किसी के साथ गुस्सा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, फिर भी बहुत गुस्से में है लेकिन फिर भी खाना बना रहे हैं और वही सर्व कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो शांति वाला, दो चीज़ तो लाइफ में शांति वाली होनी चाहिए, एक है खाना खाना और एक है सोना। ये दो चीज़ अगर हमारे लाइफ में अच्छा से बीत जाए तो हमारे मन को भी शांति मिलेगी, हमारे आत्मा को तृप्ति होगी, सब कुछ ठीक जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम खाना बनाते हैं, हम लेडीज को ये सुनना ज़्यादा जरूरी है कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो घर में कोई क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, जैसे मेरा दिमाग एकदम गर्म है, उस टाइम आप खाना मत बनाओ। आप बाहर से भी कुछ मंगवा सकते हो या जो भी है, आप खाना मत खाओ, आप खाना मत बनाओ, क्योंकि ना ये आपको आपके टमी में जाने के बाद ये हेल्दी होने वाली है और ना ही आपके मन को, आपका आत्मा को शांति होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो या बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो तो खाना मत खाओ, ना ही बनाओ। तो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है, एक बार करके देखो, एक बार इसको आजमा के देखिए आप लोग, आपको लगेगा कि हाँ ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मेरा बेकार और फालतू का नहीं हुआ है, मतलब बहुत काम का है। तो गाइस, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये दो काम आप सही से करना, एक है खाना, मतलब बहुत ही ध्यान से मन लगा के, और जैसे कहते हैं कि मन खुश होके बनाओ, और एक है खाना, जब खाते समय बहुत ही मन खुश होके खाओ। ये दो चीज़ करने से चाहे खाना कैसा भी बनाओ वो भी हेल्दी हो जाता है, आपके टमी में जाके वो भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन अब अच्छा सा शाही खाना बना रहे हो, बहुत ही शाही खाना है, बहुत ही दमदार खाना बनाए हो, क्या खाना बनाए, लेकिन वो का उसका कोई टेस्ट होने के बावजूद वो टेस्टलेस हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये टिप्स आप ज़रूर अपनाइए, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।